जब मेरी तबीयत खराब होती है मैं डेफिनेटली आरडी बर्मन और किशोर कुमार के गाने सुनता हूँ। आई थिंक उनके गाने सुन के किसी की भी तबीयत ठीक हो सकती है। और बहुत सारा म्यूजिक जो यूफोरिया करता है इस बीन इंस्पायर्ड बाय देम, अगर वो हमारे देश में नहीं होते तो शायद हम लोग इतना म्यूजिक नहीं कर पाते। हल्ला बोल एक्चुअली हमारे बाकी सारे गानों से सचमुच ही बिल्कुल ही फ़र्क है। एक तो पहली बात है कि रोमांटिक गाना नहीं है, और हमारी कोशिश ये थी कि जो इस समय जो गाने बन रहे हैं सारे गाने ही थोड़े रोंदू से गाने हैं और हमेशा ही विरहा के और दुख के गाने या फिर पार्टी के गाने आइटम गाने हैं। तो हमें हमारा ये एफर्ट था कि हम ऐसा कुछ गाना बनाएं कि जो कि आई थिंक एक सोशल कमेंट हो। हल्ला बोल वो हमारा कमेंट है, ये उन सब के लिए है जो कि अपनी आवाज़ नहीं उठाते। जो अपने आसपास आप देखेंगे कि जो भी ज़्यादा शोर मचाता है वही ज़्यादा दिखता है, वही ज़्यादा बिकता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो लोग भी अपनी आवाज़ उठाएं जो कि थोड़े से क्वाइट हैं, जो थोड़े से इंट्रोवर्टेड हैं और जो शायद इतना अपने आप को आगे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं, कर सकते हैं, जो कि ना ही राइट विंगर हैं ना लेफ्ट विंगर हैं, जिनको कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में अच्छी नहीं लगती, और वो शायद वो लोग हैं जो कि कभी किसी को ट्रोल नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग सब इस गाने को सपोर्ट करें और उस गाने को सुन के वो ये बात समझे कि जब तक आप भी अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे इस देश में शायद जो एक मिडल ऑफ द रोड एक जो एटीट्यूड है वो कभी आएगा नहीं। एक्चुअली विजय माल्या ही नहीं, बहुत सारे लोगों को टारगेट किया है इस गाने में, लेकिन मैं इस तरह से मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मैं ये कहूँगा जितने भी लोग हैं वो इस गाने को देखें सुनें और फिर अपनी इंटरप्रिटेशन निकालें कि इस गाने के अंदर मैंने क्या क्या कहा है, हमने क्या क्या कहा है, क्या क्या दिखाया है। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं या बिजनेसमैन हैं या एक्टर हैं या फिर जो लोग ये पंजाबी रैपर जो आ गए हैं, ये लोग हैं जितने भी टेली मार्केटिंग वाले, वो आपको बता रहे हैं कि आप ये चीज़ खरीदो, यही चीज़ अच्छी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद हैं, उनके लिए क्या? तो उन लोगों को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए।